हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानने वाले हैं वीवो Y21 के डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में और डिस्प्ले ग्राफिक सेक्शन के बारे में और टच नॉट वर्क के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं डिस्प्ले लाइट नॉट वर्क। तो सबसे पहले हम आ जाना है यहाँ पे, ये हमारा डिस्प्ले लाइट सेक्शन है। आप देख लीजिए, ये डायोड, ये कॉइल लगा है और ये लाइट आईसी लगी, ये डायोड लगा हुआ है, सॉरी ये कॉइल लगा हुआ है, ये लाइट आईसी लगी हुई है, ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, कुछ रजिस्टर्ड वगैरह, कैपेसिटर। तो ये सब आपको चेक कर लेना है। हमारी ये रो ऑरेंज वाली और ये वाली तीन रो है, डिस्प्ले लाइट का काम कर रही है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। और लाइट आईसी को पावर दे रही है हमारी चार्जिंग आईसी ये वाली, तो ये भी सब चेक कर लेना। अगर पावर वोल्टेज ही नहीं आएगा आईसी में तो आपका लाइट नहीं जलेगा। तो लाइट का इतना ही था, अब आ जाते हैं नो ग्राफिक्स के ऊपर। नो ग्राफिक्स का कुछ ऐसा है गाइस, ये देख लीजिए, ये हमारी एक कंट्रोलर आईसी दी हुई है डिस्प्ले की। तो ये आपको ये चेक कर लेना है आईसी, उसके बाद ये कनेक्शन जो सीपीयू से आ रहे हैं ये चेक कर लेने। तो यहाँ पे कुछ इसके कॉइल लगे हुए कंपोनेंट, ये भी आपको चेक कर लेने, हो सकता है इसकी वजह से भी आपका डिस्प्ले ग्राफिक्स ना आए। तो ये डिस्प्ले ग्राफिक्स का सेक्शन कुछ इस तरीके से, इसमें भी चार्जिंग आईसी से ही पावर मिल रहा है हमारी डिस्प्ले आईसी को, और एक पावर आईसी से मिल रहा है। तो ये आपको सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। अब आ जाते हैं हमारे टच नॉट वर्क पे। टच नॉट वर्क का भी पावर आईसी से एक सप्लाई आ रहा है टच में, टच को जो करंट दे रहा है हमारा पावर आईसी दे रहा है, जिससे टच का बाकी फंक्शन कम काम करेंगे। ग्राउंड और एक ये प्लस वाला पॉइंट है, बाकी की ये लाइनें जो सीपीयू की सेंसिविटी की है वो सीपीयू से आ रही है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।